आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखा। आज हम समलंब के क्षेत्रफल से जुड़ी मिथ्या धारणा देखेंगे। अध्यापिका सोहन, सोनाली और राघव से पूछती हैं कि यदि दिखाई हुई आकृति एक समलंब है तो क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि किसका जवाब सही है और क्यों? आइए देखें सोहन ने कैसे यह प्रश्न हल किया। सोहन ने समलंब के क्षेत्रफल के सूत्र में ऊंचाई के स्थान पर तिरछी ऊंचाई ले ली, जो गलत है। दिखाए हुए समलंब में तिरछी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। AB व CD समांतर भुजाएं हैं, जिनका योगफल 36 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग समलंब के क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित करते हुए इस तरह सोहन को समलंब का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है, जो कि गलत उत्तर है। आइए अब सोनाली के तरीके को समझें। सोनाली को समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मालूम था और उसने यही सूत्र समलंब के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया और कुछ इस प्रकार गणना की। इस तरह सोनाली को समलंब का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर मिला, जो कि गलत उत्तर है। चलिए अब राघव का तरीका देखें। राघव ने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया, फिर जरूरी मानों जैसे कि ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग का मान ज्ञात किया और समलंब के क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित करते हुए क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त करता है, जो कि सही उत्तर है। तो इस तरह आज हमने देखा कि किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय अक्सर क्या मिथ्या धारणाएं हो सकती हैं। अध्यापक भी कक्षा में इसी प्रकार विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण कर सकते हैं।